नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं तरुण फिटनेस मंत्रा। गाइज, आज हम उन बच्चों के बारे में, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो जिम के शौकीन है, बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा, हर एक की पॉकेट अलाउ नहीं करती है सप्लीमेंट्स लेने के लिए, प्रोटीन्स लेने के लिए, प्रोटीन पाउडर लेने की, क्योंकि भाई सबका बजट सेम नहीं होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो आप लोगों को निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपका भाई आपको प्रोटीन सप्लीमेंट का सब्स्टिट्यूट बताएगा जो 100 तो नहीं लेकिन 70% तक आपको रिकवरी देगा आपके वर्कआउट में, आपके पोस्ट वर्कआउट में। तो कौन सी चीज़ है वो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वही यूज़ करता हूँ, प्रोटीन्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैं प्रोटीन्स भी यूज़ करता हूँ, लेकिन प्रोटीन के साथ मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए। तो मेरे को ये दो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं और उम्मीद करता हूँ आपको भी पूरी पूरी हेल्प मिलेगी इनसे, आपको बढ़िया रिकवरी मिलेगी पोस्ट वर्कआउट में, आप कितना इंटेंस वर्कआउट कर लो। और यही नहीं, ये आपको, आपका जो स्टेमिना है, आपकी स्ट्रेंथ है, उसको भी इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे ये दो छोटे सप्लीमेंट्स, जिनको आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हो कोई भी बंदा हो। बाकी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप देखने जाओगे, कोई भी इम्पोर्टेड प्रोटीन आप खरीदने जाओगे तो कम से कम 4 से 4,500 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे किसी भी इम्पोर्टेड ब्रांड के ऊपर, और वो आपका 1 से 2 महीना चलेगा, ठीक है। तो क्यों ना वही काम आपका 1,000 से 1,500 रुपये में हो जाए तो आपको कैसा लगे? अगर आप 4,000 नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 3,000 2,000 अफोर्ड कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 1,000 से 1,500 रुपये आप इस चीज़ पे लगाइए, बाकी जो आपके 1,500 बच जाए वो आप अपनी डाइट पे लगाइए और आपको बढ़िया रिकवरी मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। तो कौन सी हैं वो चीज़ें? ये दो सप्लीमेंट्स हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया और सस्ते सप्लीमेंट हैं, आपको कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और पोस्ट वर्कआउट में दोनों की एक एक स्कूप मिला के आप ले सकते हैं, दोनों में 60-60 सर्विंग मिलेगी। कौन से सप्लीमेंट्स हैं? सबसे पहला क्रिएटिन। क्रिएटिन आप कोई भी ले सकते हैं, मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज्ड, क्योंकि भाई मोनोहाइड्रेट सबसे सस्ता होता है तो मोनोहाइड्रेट ही आप लो, माइक्रोनाइज क्योंकि वो एक्स्ट्रा फिल्टर्ड होता है तो उसके 100-200 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी आपको चार्ज करती है। तो सबसे पहला सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ भी मायोजेनेटिक्स का, मेरे को बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। और दूसरा जो सप्लीमेंट है वो है आपका ग्लूटामिन, एल ग्लूटामिन। ये दो सप्लीमेंट आपके ऐसे हैं जो आपको पोस्ट वर्कआउट में लेने चाहिए और आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपको जो 4-4,500 रुपये का बजट नहीं है आपके 1,000-1,500 रुपये बजट में आ जाएंगे और 70% तक सेम काम करेंगे प्रोटीन जैसा आपकी इंस्टेंट रिकवरी में, पोस्ट वर्कआउट में, जो आपकी मसल ब्रेकअप हो गई उनको रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेंगे। प्लस में जो क्रिएटिन का काम होता है वो स्पेशल क्या करता है, आपकी मसल्स में एटीपी को स्टोर करता है नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट डे जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मसल फुलर दिखेगी आपको। ये नहीं है कि आपने देखा होगा वर्कआउट करते हैं जब तक तो पंप रहती है बॉडी, लेकिन उसके बाद मसल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है क्रिएटिन लेने का। जैसे ही आप क्रिएटिन लेना शुरू करेंगे एक हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मसल फुलर, बड़ी पंप रहेगी और साइज एकदम बढ़िया दिखेगा आपको। प्लस में आपकी स्ट्रेंथ में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। और ग्लूटामाइन का भी काम है आपकी मसल को रिकवरी देना, आपके जो ब्रेक टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, मसल के टिश्यूज जो ब्रेक हो जाते हैं वर्कआउट के दौरान, उन सबको रिपेयर करता है ग्लूटामाइन साथ के साथ। प्लस में आपकी जो गट की हेल्थ है, आपकी डाइजेशन है, उसको भी इंप्रूव करता है ग्लूटामाइन। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा ग्लूटामाइन के ऊपर भी, क्रिएटिन के ऊपर भी। आज का हमारा टॉपिक है कि अब जिसके पॉकेट अलाउ नहीं करती है, जो प्रोटीन नहीं ले सकता हो, वो क्या ले। बहुत सारे मेरे भाई हैं यूट्यूबर्स हैं, कोई बोलता है सोयाबीन ले लो, कोई बोलता है कुछ ले लो, कोई बोलता है ये ले लो, लेकिन भाई जो सच है वो ये है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो सप्लीमेंट अपनी बॉडी में डालना ही पड़ेगा इंस्टेंट रिकवरी के लिए। तो पोस्ट वर्कआउट के बाद सबसे इंस्टेंट रिकवरी करता है वो तो सबसे पहले सबको पता है वे प्रोटीन है, उसके बाद ये दो सप्लीमेंट्स ही हैं जो आपको इंस्टेंट रिकवरी दे सकते हैं। बाद में थर्ड टाइप जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है आपकी डाइट, आपके एग वाइट्स हैं, आपका मिल्क है, ये सब आपकी चीज़ें होती हैं बाद में। लेकिन
वर्कआउट के बाद आपको इंस्टेंट रिकवरी, इंस्टेंट सेल रिपेयर की जरूरत पड़ती है, तो आपको ये सब लेने पड़ेंगे। तो ये है आपका प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं सप्लीमेंट्स को लेके, डाइट को लेके, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना नंबर अपलोड कर रखा है, मेरे को कॉल कर सकते हैं। किसी को कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, उसके लिए भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे ऐसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे।